सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजॉय लाइफ। कैसे हैं आप सभी? आए हो बच्चे होंगे और आप सभी को प्यारी प्यारी सुबह की प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 और अभी तक का अपडेट ये है कि खाना पीना बन चुका है, प्यासे जी जा चुके हैं ऑफिस और मेरे घर की क्लीनिंग व्लीनिंग कपड़े वपड़े सारा काम हो चुका है फिनिश। क्योंकि आज क्या क्या करवाना है, आज एक मतलब मुझे बैंक का काम करवाना है और सेकंड ये है कि कान्हे की करवाना है सोनोग्राफी। तो अब देखते हैं कि आज कौन कौन से काम हो पाते कौन कौन से नहीं हो पाते। तो चलिए आज के दिन की करते हैं शुरुआत, देखते हैं कैसा बीतता है आज का दिन। और इसके बाद लगा रही हूँ मैं थोड़ा सा किचन की क्लिप, तो आप लोग को एंजॉय कीजिए। मुझे हो गई थी देर, तो मैंने कढ़ाई में बहुत सारा तेल डाला और मैंने सोचा पूड़िया में सेक बेल के रख लूँ फटाफट से, ताकि दो दो चार चार एक साथ सेक जाए। तो मैंने बेल के तो रख ली, बट आटा गीला था ना, तो सारी जब मैंने उठाई तो ऐसे टूट गई, मुझे फिर से बनाना पड़ी, सारी मेहनत बेकार हो गई। सो मैं कोई हूँ रेडी कर रही हूँ, तो मैं आती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। सो अभी बज रहे हैं 4:00 और मैं निकल रही हूँ डॉक्टर के यहाँ, कहाँ के लिए सोनोग्राफी करवाना है ना। और इतना मतलब थकान लग रही है ना, ऐसा दिन भर बाहर आने जाने का काम रहता है कि क्या बताऊँ। बस रेडी हो गई हूँ और जाती हूँ मैं, चाय वाय तो मैंने पी ली है, जल्दी जाऊँ क्योंकि 5 बजे कान्हा की कोचिंग है। सो कोचिंग भी कान्हा अटेंड कर लें तो गैप ना हो उनका। तो चलिए चलती हूँ मैं, फिर बताती हूँ आपको कि क्या आया सोनोग्राफी में। इस चीज़ का मुझे भी इंतज़ार है कि भगवान थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ हो। हाँ और हाँ, मुझे बताना था कान्हा बोल रहा है मम्मा मुझे धक धक हो रहा है। तो ना मैं आपको बता दूं कान्हा को किस चीज़ की प्रॉब्लम है, सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम है कान्हा को, उसी का ट्रीटमेंट चल रहा है। कान्हा को दरवाजे लगा के आओ पीछे के, उसी का ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ दरवाज़ा, तो उसी का ट्रीटमेंट चल रहा है कान्हा का। तो बस दो ढाई ढाई महीने हो गए आई थिंक कान्हा को, नहीं दो ढाई महीने नहीं, थर्ड मंथ स्टार्ट हो जाएगा। वही देखना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो चलिए चलते हैं, जो भी होगा मैं फिर अपडेट दूंगी आपको। और ये बात जबलपुरी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि यहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, इतनी बेकार रोडों की हालत हो रखी है ना, क्या बताएं, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। ज़रा में ट्रैफिक जाम हो जाता है, कहीं आना जाना हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बट क्या करें, मजबूरी थी जाना इसलिए। मतलब क्योंकि मैं सिटी जाने के लिए बहुत अवॉइड करती कि ना जाना पड़े, और यहाँ काना भी आना थी सोनोग्राफी, और ये हम लोग कर रहे हैं वेट सोनोग्राफी के लिए। और यहाँ लगा बहुत ज़्यादा टाइम, जहाँ डॉक्टर ने रेफर किया था, फिर हम लोग यहाँ से आ गए घर और ये सनसेट हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बस ये ब्रिज आप लोग बहुत अच्छे से जानने पहचानने लगे होंगे इस ब्रिज को। तो मैं आई घर, वहाँ से फिर मैंने उठाई अपनी गाड़ी क्योंकि मैं गई थी फ्रेंड के साथ। सो हम लोग गए थे सोनोग्राफी के लिए, वहाँ इतने ज़्यादा टाइम था, भीड़ थी, तो आ गए हैं घर। अभी रुक के दूसरी जगह जाएंगे, ट्राई करेंगे यह कान। अरे घर नहीं गई, पटेल शूट से है, नाम नहीं बता देना चाहिए ना, नाम नहीं बताना चाहिए ना,
घर थोड़ी ना है। हाँ तो फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे घर और वहाँ से लेंगे अपनी गाड़ी, उसके बाद फिर जाएंगे हम लोग दूसरी जगह सोनोग्राफी के लिए। तो पहले कर ले पेट पूजा ना, फिर बाद में काम पूजा। वो वाले इसकी भी लगाओ। चलो आराम से, इस वाले सीढ़ी में डर लगता भैया, आराम से। तो ये हम और कान्हा फिर निकले गाड़ी लेके। तो यहाँ पे सनसेट का बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, तो मैंने कैप्चर किया और बस यहाँ पे दिख रहा था रेनबो। मैंने तो नोटिस नहीं की ये बात कान्हा ने नोटिस की, तो मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं ये क्लिप भी रेनबो का। और बस उसके बाद हम लोग दूसरी जगह सोनोग्राफी के लिए वेट कर रहे थे कि मैडम आए। अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और मैं ना ब्रेड सेक रही हूँ, मुझे इतनी ज़ोर से भूख लगी है। हम लोग 8:30 तो घर आए, ऊपर से आके फिर बुआ सासू माँ जो उनके यहाँ से आ गई भाजी ढेर सारी, मैंने इतनी सारी भाजी तोड़ ताड़ के और फ्रिज व्रिज में रख के, और अब बहुत ज़ोर से भूख लगी है मुझे। तो मैं पहले ब्रेड सेक रही हूँ, थोड़ी भूख शांत करूँ, उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको ये, उसके बाद फिर मैं करूँगी चावल फ्राई रखे हैं जो कि सुबह के, क्योंकि पास प्यासी जी को तो खाना खाना नहीं है, खाना खाना है केवल मुझे और कान्हा को। सो बस मैं फटाक से ना चावल फ्राई करूँगी क्योंकि थोड़ी खाने के बाद उसके बाद हिम्मत से हो जाएगी बनाने की। बहुत थकावट लग रही, पूरा दिन हो गया, आज अच्छे से रेस्ट करने भी नहीं मिलता है और बस परेशान हो जाती है। चलो मैं बना लेती, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। गरीबी में गीला आटा भूख कितनी जोर की लगी ब्रेड से के, वो मुझे ना ब्योनी थी पसंद खाने नहीं, और जैम वाला तो अच्छा नहीं लगता, पर मैं निकाल निकाल के कैसे भी छोटा मोटा के मैं खाऊंगी तो यही। और मैं कान्हा को भी बिना मेयोनीज़ के, मतलब मेयोनीज़ वाले ब्रेड ही अच्छे लगते हैं, मुझे भी बिना मेयोनीज़ के लिए। सो ये लगा दी मैंने प्लेट लेके आ गया, ये थोड़ा सा सॉस और अभी मैंने दिया जलाया है, लेकिन फैन ऑन करना पड़ेगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। सो अब हम और खाना ये खाएंगे और मैं थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ आप लोगों को कि क्या हुआ। खाना अच्छे से बैठो ना, आप प्लेट रख देंगे। सोनोग्राफी हो गई कान्हा की, उसमें आया नॉर्मल रिपोर्ट, कुछ भी नहीं आया, बट फिर भी कल डॉक्टर के पास जाएंगे तो चेक कराएंगे वो क्या बताते हैं। और थैंक यू गॉड, बड़ी मतलब आप लोग भी देख रहे हैं 3-4 महीने से परेशान हो रहा है और अब कहीं जाके मतलब ऐसा तसल्ली वाला कुछ पता चला है कि चलो कुछ नहीं है। तो यहीं पर मैं करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जो रेगुलर बताते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट किया करो, क्योंकि पढ़ के ना दिल से खुशी होती है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब।